लोकसभा चुनाव वैसे तो हमेशा ही खास होता है, पर इस बार का चुनाव न सिर्फ जनता के लिए बल्कि राजनीतिक पार्टियों के लिए भी खास होने जा रहा है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये न जनता को पता है न ही राजनीतिक पार्टियों को। ये सारी दुनिया को पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो मोदी लहर चला था वो अभी भी कायम है। मोदी दिन पर दिन और ताकतवर होते जा रहे हैं, पर विपक्ष भी इस बार पूरी ताकत से मोदी के खिलाफ खड़ा है। पर आज बातें हैं इस बार जनता का क्या मूड और राजनीतिक पार्टियां चुनाव को किस तरह जनता के सामने रखती है। सबसे पहले बातें जनता की। जनता के लिए चुनाव बेहद खास है क्योंकि उन्हीं के हाथों ये फैसला होना है कि मोदी सरकार अगले 5 साल रहेगी या फिर जाएगी। देखा जाए तो जनता मोदी से बहुत नाराज भी नहीं। एक पल के लिए जनता के मन में मोदी सरकार के लिए गुस्सा हो सकता है, पर प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी लोगों की पहली पसंद मोदी ही है। गठबंधन को मोदी से लड़ने से पहले जनता के सोच से लड़ना होगा। अगर पिछली बार की तरह इस बार भी जनता मोदी को लेकर दृढ़ संकल्प हो गई तो फिर विपक्ष चाहे सरकार पर जितने भी आरोप लगा ले, मोदी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब बातें मोदी सरकार की तैयारियों को लेकर। मोदी सरकार का इस चुनाव को लेकर एजेंडा साफ है। एनडीए इस चुनाव में विकास, रोजगार, हिंदुत्व और ब्रांड मोदी सभी को एक साथ जनता के सामने ले जाने की कोशिश में, तो वहीं राहुल गांधी इस चुनाव को अलग ही रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी का इंडिया क्रूर है, हम प्यार बांटने आए हैं कहने का अंदाज जरा फिल्मी है, पर बात तोला आने राजनीतिक है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसी लाइन को पकड़कर 2019 लोकसभा चुनाव में उतरने का मन बना चुके। लगातार हो रही मॉब लिंचिंग पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, ये मोदी का क्रूर न्यू इंडिया है। उन्होंने एक रैली में बार बार कहा था, हम बीजेपी की नफरत का जवाब प्यार से देंगे। तब से लगातार वे इस लाइन को दोहरा रहे। अब उनका हर एक्शन बीजेपी की नफरत के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। कांग्रेस भाजपा के कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाना चाह रही है, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस की रणनीति उल्टी पड़ जाए और हिंदू वोटर एकजुट हो जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2019 में जनता के सामने कांग्रेस की मोदी से नफरत वाली राजनीति कितनी सफल हो पाती। पर कुल मिलाकर जनता के दिल से मोदी को निकालना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर। थैंक यू सो मच।